दोस्तों एकलव्य एक महान धनुर्धर थे। गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया तब एकलव्य ने जंगल में गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनके सामने धनुर्विद्या सीखने लगे। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य ने खुद से ही इतनी विद्या अर्जित कर ली कि अर्जुन भी उनके सामने कहीं नहीं लगे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। और महान धनुर्धर एकलव्य की गुरु भक्ति भी ऐसी थी कि उन्होंने हंसते हंसते अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। आइए दोस्तों आज हम महान धनुर्धर एकलव्य के बारे में जानेंगे कि आखिरकार अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ और उनका वध किसने किया था। दोस्तों एकलव्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह श्रृंगारपुर राज परिवार के राजा हिरण्यधनु नामक निषाद भील के बेटे थे। राजा हिरण्यधनु के बाद एकलव्य स्वयं श्रृंगारपुर राज्य के शासक बने। एकलव्य एक कुशल शासक थे, उन्होंने अपने पराक्रम से अनेक राजा महाराजाओं को हराया और अपने राज्य को आगे बढ़ाया। एकलव्य के बचपन का नाम अभिदुम्न था, लोग उन्हें अभि नाम से बुलाते थे। उन्होंने बचपन में निषाद गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की थी और आगे धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य केवल पांडवों और कौरवों को ही शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने एकलव्य को तीरंदाजी की शिक्षा देने से मना कर दिया गया। तब एकलव्य ने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने खड़े होकर यह संकल्प लिया कि वे तब तक अपने राजमहल में पैर नहीं रखेंगे जब तक वे धनुर्विद्या में पारंगत न हो जाए। उन्होंने वन में ही रहकर अपने धनुष चलाने की कला का विकास किया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ जंगल में शिकार करने निकल गए। उनके साथ पांडव राजकुमारों का कुत्ता था जो घूमने निकल पड़ा। कुत्ता घूमते घूमते दूर निकल गया। इधर एकलव्य ध्यान मुद्रा में तल्लीन थे तभी उन्हें कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी थी और यह आवाज़ उनके ध्यान को भंग कर रही थी। तब एकलव्य ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्होंने अपने धनुष से बाण इस तरह छोड़े कि उनके बाण कुत्ते के मुंह में तो चले गए लेकिन कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचा, पर वह भौंकने लायक नहीं रहा। वह कुत्ता भागता हुआ द्रोणाचार्य और पांडव राजकुमारों के पास आ गया। कुत्ते की ऐसी दशा देख गुरु द्रोणाचार्य और सभी पांडव राजकुमार सोच में पड़ गए कि ऐसी धनुर्विद्या कौन जानता है, आखिर कौन है ऐसे महान धनुर्धर। गुरु द्रोणाचार्य और सभी पांडव राजकुमार उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने एकलव्य को देखा। गुरु द्रोणाचार्य को देखकर एकलव्य बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और निरंतर अभ्यास करने से उन्होंने धनुर्विद्या का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि वत्स तुम्हारा गुरु कौन है, तब एकलव्य ने कहा मेरे गुरु तो आप ही हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, इसलिए उन्होंने एकलव्य को कहा कि यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य तो बेहद खुश हो गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य मान लिया। उन्होंने कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूँ, तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने हंसते हंसते अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा दे दिया। लेकिन एकलव्य की कहानी यहीं समाप्त नहीं हो गई। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दक्षिणा देने के बाद उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यम उंगली का प्रयोग करके धनुष बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। धनुष चलाने की यह विद्या बिल्कुल नई थी जो विकसित होती चली गई। उन्होंने आगे चलकर सुनीला नामक राजकुमारी से शादी कर ली और अपने पिता राजा हिरण्यधनु के बाद श्रृंगारपुर राज्य के राजा बन गए। उन्होंने निषाद भीलों की मजबूत सेना का गठन किया और अपने राज्य का विस्तार किया। आगे चलकर जरासंध और एकलव्य मित्र बन गए। जरासंध भगवान कृष्ण के बहुत बड़े शत्रु थे। विष्णु पुराण के अनुसार जरासंध से मित्रता करने के बाद एक बार वे द्वारका के विरुद्ध जरासंध के पक्ष में युद्ध करने गए, जहाँ उन्होंने देखते ही देखते पूरी यादव सेना का वध कर डाला। इस बात का पता जब भगवान कृष्ण को चला तो वे एकलव्य से मिलने आए। उन्होंने देखा कि दाएं हाथ के महज चार उंगलियों से धनुष बाण चला रहे हैं। यह देख उन्हें ध्यान आया कि एकलव्य भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य को वीरगति प्रदान की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।